हाय फ्रेंड्स, हमारी वी आर वन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, ये वी आर वन चैनल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर जाकर के आपको सर्च करना है ब्रिगेडियर गाइड यू, और जैसे ही ये चैनल खुलेगी आपको वहाँ पे एक सेक्शन में SSB का और VR1 चैनल के सारे वीडियोस मिलेंगे। तो अभी पुराने वीडियोस में हमने देखा कि हमारे ये फैक्टर 1, 2, 3, 4 कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इनको सीखने की क्या ज़रूरत है, और साथ में फर्स्ट डे का जो रेजीम है, रूटीन है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो होता है उसमें क्या करना है और कैसे करना है। और मगर आगे चलने के बारे पहले मैं एक बार फिर आपको रिएट्रेट करता हूँ, जो कि पहले भी हर वीडियो में करता हूँ, कि जो भी SSB के अंदर सिखाया जाता है उसके सवालों के जवाब मत ढूंढिए। आप ये 4 फैक्टर्स की 15 क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब करिए, तो वो जवाब आपके जो भी निकलेंगे वो सही निकलेंगे, क्योंकि सारे जवाब जो हैं वो इन फैक्टर्स के ऊपर, इन क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो इन किसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन करी है। तो आज हम बात करेंगे PPDT के बारे में, जो कि फर्स्ट डे को है, आपकी स्क्रीनिंग के ऊपर है। OIR का आपने टेस्ट दिया, आपका पेपर आपसे ले लिया गया, उसके बाद PPDT का नेक्स्ट टेस्ट होता है। PPDT का टेस्ट होने से पहले आपकी डिटेल ब्रीफिंग की जाएगी। डिटेल ब्रीफिंग में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे इसमें एक हेजी सी पिक्चर दिखाई जाएगी, और उस पिक्चर को आपने 30 सेकेंड्स के लिए देखना है, और फिर अगले 30 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे उसके बारे में कुछ कार्रवाई करने के लिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और फिर 3 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उसमें स्टोरी लिखने के लिए। तो ये जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो आपसे सारे पेपर आपसे ले लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर आपकी ब्रीफिंग होगी, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी पहले देखिए ये इसमें क्या होता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो ऐसे एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे आपका नेम, नंबर, चेस्ट नंबर, आपका पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे आप अपना नाम, चेस्ट नंबर और दूसरी डिटेल लिखेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के ऊपर एक यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना होगा, और यहां पे लिखा हुआ होगा एक्शन। तो ये आपका पूरा पेपर है। अभी आपको ब्रीफिंग करेंगे, और ब्रीफिंग के दौरान अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी किस्म का भी डाउट है, वो डाउट आपने क्लैरिफाई जरूरी करना है। अगर डाउट क्लैरिफाई करने का मतलब है तो ये आपने नहीं सोचना कि वो GTO या IO या साइकोलॉजिस्ट जो भी ब्रीफिंग कर रहा है वो सोचेगा एक कैसा बेवकूफ़ आदमी सवाल पूछ रहा है। नहीं, वो बताएगा कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको जो बताया जा रहा है आप उसको अपने दिमाग पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो ये आपके फेवर में जाएगा। तो आपने अगर कोई इसमें कोई भी सवाल है, शक है, वो ज़रूर पूछना। तो उसके बाद आपको 30 सेकेंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी, और ये पिक्चर बहुत ही हेजी पिक्चर होगी, ये कोई बड़ी क्लियर पिक्चर नहीं होगी। और उस हेजी पिक्चर होने की वजह से जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ बैठे होंगे सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होगी। अभी इस हेजी पिक्चर को देखने के बाद आपको नेक्स्ट 30 सेकेंड्स मिलेंगे। उस 30 सेकेंड्स में आपने क्या करना है, वो कोई भी पिक्चर होने से उसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स नजर आएंगे धुंधले, तो आपने उस पर, पहली बात तो ये है कि आपने सोचना है कि ये क्या पिक्चर हो सकती है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी आपको करवाऊंगा, और कैसे मेरे से इंटरेक्ट करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस पिक्चर में कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दिए जाएंगे, तो आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना कि ये कैरेक्टर मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपने देखना है कि ये कैरेक्टर यंग है, मिडिल एज्ड है या बुढ़ा है, यानी कि आपने उस कैरेक्टर की एज गेस करनी है। तो अगर कोई ओल्ड आदमी होगा
उसकी एज आप 50-60 जो भी देख लीजिए, अगर कोई यंग होगा तो उसको आप 20-30 के बीच में ले लीजिए, कोई बच्चा होगा को उसको 10-12 साल या उससे कम, डिपेंडिंग ऑन जो आप परसीव करते हैं, तो वो एज आपने गेस करनी है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी घुंडी है, अगर आप NDA के लिए जा रहे हैं तो आप खुद 17-18 साल के हैं, तो आप कोशिश करिए अगर वो यंग बॉय है तो उसको 17-18 साल की, यानी कि जो आपका हीरो, जो कैरेक्टर्स 4-5 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर आपने एक कैरेक्टर को ढूंढना है, उसको जिसको आपने हीरो बनाना है, तो वो हीरो की जो उम्र है वो आपकी अपनी उम्र होनी चाहिए और वो 17-18। अगर आप CDS के लिए जा रहे हैं या आपने इंजीनियरिंग वाला एंट्री ज्वाइन करनी है तो आपकी एज 22-23 के साथ पास हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली उसकी एज जो है वो 18 के अलावा 23 या जो भी रखी है। तो ये इस तरीके से आपने करके इस गोले के अंदर आपने दे दिया, मेल था, इसकी क्या एज थी, मान लो 18 एज होगी, और इसका मूड क्या है। सो तीसरा चीज़ है, मूड पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि वो खुश नज़र आ रहा है तो पॉजिटिव मूड है, अगर वो थोड़ा दुखी, नाराज या डिस्ट्रेस या किसी मुसीबत में है तो वो नेगेटिव हो सकता है, और अगर नॉर्मल है, ना दुखी है ना खुशी है ना डिस्ट्रेस में है, तो आप उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। तो आपका पहला जो 30 सेकेंड उसने आपको दिया है पिक्चर देखने के बाद, आपने ऐसे गोले बना के कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, फीमेल 50 मूड नेगेटिव, ठीक है, मेल 40 मूड पॉजिटिव, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मगर जो हीरो है, हीरो का जो मूड है वो आपने वो पॉजिटिव रखना है। तो इस तरीके से आपने इस स्क्वायर के अंदर या इस जगह के अंदर आपने सर्कल लगा के आपने उनका सेक्स लिखना है, उनकी एज लिखनी है और उनका मूड लिखना है। बट वहाँ हो सकता है 15 कैरेक्टर्स हों, 10 हों, तो आपने सारे नहीं लिखने हैं, आपने एक या दो जिसको आप मेन हीरो बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने पिक्चर देखी है, स्टोरी भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई थीम भी आ गया है। मान लो आपने एक पिक्चर देखी, एक कोई बच्चा डूब रहा है और वो बंदा स्विम कर रहा है उसको बचाने के लिए, तो अभी बच्चा जो था वो मान लो छोटा बच्चा है, वो उसको चाइल्ड को आप मेल कर दीजिए, छोटा है, उसकी एज 6-7 ईयर्स कर दीजिए, मूड उसका है नेगेटिव, और आप हीरो हो जो उसने स्विम करके बचाने जा रहा है, अगर आप 18 साल के हो, मेल हो, और मूड जो है वो आपका पॉजिटिव है, और हो सकता है बाहर किनारे पे उसकी खड़ी उसकी माँ देख रही हो, वो मान लो फीमेल है, उसकी उम्र 35 ईयर्स है और उसका जो मूड है नेगेटिव है। तो ये 2-3 किस्म के मैंने आपको बता दिए, और इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर जैसे ज़्यादा लोग हैं भी हैं, मान लो एक कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, तो आपने सारी भीड़ को गोले नहीं मारने, आपने सिर्फ गोला मारना है जो बंदा एक्सीडेंट हुआ है, जो आपकी स्टोरी में आने वाला पात्र है, जो कैरेक्टर है, और आप हीरो हैं, आप भी खड़े देख रहे हैं, अपना किया उसका किया। मान लो वहाँ पे कोई एम्बुलेंस वाला खड़ा है या पुलिस वाला खड़ा है, जो आपकी स्टोरी में आपकी मदद करने वाला है, आपने सिर्फ उसी के कैरेक्टर को गोला मारा। ये कार्रवाई आपने अपना थीम सिलेक्ट करके, अपने कैरेक्टर सिलेक्ट करके कि भाई मैं अभी जो चिट्ठी स्टोरी लिखने वाला हूँ उसमें कौन कौन से लोग मेरे काम आने वाले हैं, तो सिर्फ आपने उनके बारे में लिखना है 2 या 3। इससे ज़्यादा आप स्टोरी बनाएंगे भी तो उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स की ज़रूरत है नहीं। तो जो कैरेक्टर्स आपको चाहिए आप उन्हीं कैरेक्टर्स को यहाँ पे इस स्क्वायर के अंदर लिखिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एक्शन, एक्शन बेसिकली इज़ नथिंग, ये बेसिकली आपका थीम है कि स्टोरी में आपकी ये स्टोरी किस बारे में है। मान लो बच्चा डूब रहा था तो आपने बोला सेविंग द चाइल्ड, ये आपका एक्शन हो गया। तो जिस बंदे ने ये आपका पेपर देखा उसने देखते ही समझ गया कि भाई आपने जो परसीव किया है वो से एक बच्चा डूब रहा था, आप उसको गए और आपने, अब आप मुझे पूछोगे सर ये अगर पिक्चर है जहाँ पे एक बच्चा डूब रहा है तैर नदी में, तुम तैर रहे हो, एक लेडी बाहर खड़ी है, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो आदमी जो है वो पिता हो सकता है, वो जो लेडी है वो माता हो सकती है, और बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे हैं, वहाँ तो कोई डिस्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। को हर चीज़ को डिस्ट्रेस में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, वो मैं अभी उसके बारे में बताऊँगा, बट ये परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो परसेप्शन है वो अच्छी होनी चाहिए,
और वो अच्छे परसेप्शन कैसे, वो अभी मैं अभी आपसे उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो ये आपने जब लिख लिया, इसके बाद आपने आपको 30 सेकंड के बाद वो आपको स्टोरी लिखने को देंगे यहाँ नीचे। और इस पेज पे अगर मान लो आपकी स्टोरी कम पड़ती है तो आप पीछे भी लिख सकते हैं, बट मेरी सलाह आपसे ये है कि आप जब स्टोरी लिखें तो आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो आप हीरो हैं आपको सुपरमैन बनने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आप उसमें कट्स मार सकते हैं कि मैं उसको आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल आफ्टर सेविंग और आई गेव हिम फर्स्ट एड एंड सेंड टू द हॉस्पिटल, कहानी ख़त्म हो गई। वो ज़रूरी नहीं कि मैंने पहले उसको उठाया, फिर मैंने उसको ज़मीन पर लिटाया, फिर मैंने उसको रिसासीटेशन किया, फिर मैंने फ़ोन किया एम्बुलेंस को, फिर एम्बुलेंस आई, फिर मैंने उठाया, फिर एम्बुलेंस में डाला, फिर वहाँ हॉस्पिटल गए, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने उसको, बंदा डूब रहा था, मैंने उसको वहाँ से निकाला, बाहर निकाला, एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल भेज दिया, हॉस्पिटल ने उसको डॉक्टर ने ट्रीट किया, इज़ अ वेरी हैप्पी हैप्पी एंडिंग, खत्म हो गई। और मुझे देख के लोग खुश हुए, बोला कि अगर अगली बारी कोई रूपता मिलेगा तो हम भी उसको बचाएंगे। तो ये 4 या 5 लाइन में कहानी ख़त्म होगी। और इसका पर्पस है, क्योंकि ये कहानी आपने जब सबमिट कर दी उसके बाद आपने ये कहानी एक ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि क्या था ये डिस्कशन टेस्ट, यहाँ ग्रुप डिस्कशन में ये आपने 1 मिनट के अंदर अंदर ये कहानी दोबारा सुनानी है, तो वहाँ पे आपको इसमें डिस्कशन में ज़रूरत पड़ेगी। खाम खा लंबी लिखेंगे तो आप उसको 1 मिनट में नहीं सुना पाएंगे, आपको 1 ही मिनट मिलना है वहाँ पे। वो कैसे है वो मैं इसके बाद बताऊँगा। तो इसके बाद अभी ये आपने बना लिया, इसके बाद आपने कहानी बनानी है, तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब कहानी कैसे बनती है, आपने मूवीज़ देखी हुई हैं, नॉवेल्स पढ़ें, जो भी कहानीकार होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो कहानी कैसे बनाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। यानी कि कोई भी कहानी जो फिल्मों में मोस्टली इज़ अ लव स्टोरी, के हीरो होता है वो हीरोइन से प्यार होता है, हीरोइन किसी बड़े बाप की बेटी होती है या छोटे बाप की बेटी होती है, हीरो बड़े छोटे का होता है, कुछ कोई ना कोई थीम होता है, या कोई सोशल प्रॉब्लम पे पिक्चर बनती है, कोई नेशनल लेवल पे बनती है, मतलब कि कोई थीम है जिसके ऊपर एक कहानी बनाई जाती है कि हम आज सिखा रहे हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। तो उस पूरी पिक्चर में किसी बालिका वधू का शादी हो रही है और उसको हीरो कैसे बचाता है और उस प्रथा को कैसे एंड करता है। सती प्रथा के बारे में हो सकती है, कोई कुरीति के बारे में हो सकती है, कोई एंटरटेनिंग मूवी हो सकती है। यानी कि स्टोरी जो है वो किसी थीम पे बनेगी, कोई प्रॉब्लम होगी जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है तो उसी के ऊपर बनाएगी। अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक हीरो चाहिए, और यहाँ हीरो कौन है इस टेस्ट में हीरो आप हैं। आपने हर हालत में अज्यूम करना है कि हीरो बिल्कुल आप हैं। तो अभी आपकी कैसे हेल्प करनी है, आपने उस थीम को या उस प्रॉब्लम को हल करना है, उसके लिए आपको कुछ साधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्स क्या हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करें, कोई मटेरियल मान लो आपको कोई घर चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, या कुछ भी चाहिए, डिपेंडिंग कि आपने क्या बनानी है। तो आपने आपकी स्टोरी में 3 चीज़ें होंगी, एक हीरो होगा जो आप खोदोगे, आपने एक प्रॉब्लम मान ली है कि बच्चा वो डूब रहा था तो वो प्रॉब्लम थी, और उसको बचाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए उसको डॉक्टर के पास भेजने के लिए, या मेरे पास रस्सी थी मैंने रस्सी फेंक के उसको बचाया, या मेरे पास ट्यूब थी मैं ट्यूब में गया, या मुझे स्विमिंग आती थी, या मुझे फर्स्ट एड देना आता था। तो ये सब रिसोर्सेज को आपने इकट्ठा करना है। तो ये सबसे पहले उसकी मैंने क्वालिटी लगनी है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। अगर आप रीजनिंग एबिलिटी को लगाओगे तो इस पिक्चर को जो आपने देखी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये पिक्चर है उसकी डूबने की, तो आपने रीजनिंग में किया भी इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 छोटी छोटी, पहले वो नज़र आया, उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी, माँ के चीखने की आवाज़ सुनी कि मेरा बच्चा डूब रहा है, फिर उसने नेक्स्ट स्टेप था उसने ढूंढा कि बच्चा है कहाँ पे, क्योंकि जो बच्चा डूब रहा है वो कभी पानी के अंदर जाएगा कभी बाहर आएगा, उसको मालूम ही नहीं है बच्चा है कहाँ, तो उसने बच्चे को ढूंढा, वो उसका नेक्स्ट स्टेप था ढूंढने का। ढूंढने के बाद फिर उसने उस तरफ जाना है, वो हो सकता है करंट के अगेंस्ट हो सकता है करंट के अगेंस्ट तैरना मुश्किल है, तो उसने कहा अगर ये बच्चा जब तक इधर आता है तब तक मैं इस तरफ कहीं वेट करता हूँ, वो आपका थर्ड स्टेप था रीजनिंग का।
फोर्थ स्टेप था कि जब वो मेरे पास आएगा वो लाइकली कहाँ पहुँचना चाहिए, तो मुझे वहाँ पहुँचने कितना समय चाहिए, ये उसने सोचा, तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप था। तो फिर फाइनल स्टेप था वो उसने बच्चे के पास गया, बच्चे को रेस्क्यू किया, अगला स्टेप था बच्चे को फर्स्ट एड दी, अगला स्टेप था बच्चे को हॉस्पिटल भेजा, अगला स्टेप था उनको उनको जो भी थैंक यू करा। तो इसलिए ये रीजनिंग एबिलिटी से आपने इस पिक्चर में जो कुछ देखा उसको आपने काट लिया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सोनिका मीनिया, आई एम फ्रॉम GCW गांधीनगर। आई हैव अटेंडिंग वन वर्कशॉप ऑफ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। ही इज इंट्रोड्यूस अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू मी, सॉफ्ट स्किल। नोबडी एल्स टॉक्स अबाउट दैट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डेवलप समवन्स पर्सनैलिटी। इट इज़ रियली अ गुड कॉन्वर्जेशन। फ्रॉम वन वे कॉन्वर्जेशन इट बिकम टू वे कॉन्वर्सेशन, मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू स्पीक, दे ऑल्सो स्पीक अबाउट दैट, their initiative, their point of views on everything. I must tell you that it is one of the best ever workshop I have attended in my whole life. आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई फ्यूचर नहीं है। अरे रिलायंस के अंबानीज, हीरो मोटोकॉर्प के मुंजाल्स, जी के सुभाष चंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, इनमें किसके अच्छे मार्क्स आते थे यार? मार्क्स नहीं डिसाइड करते आपका फ्यूचर। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आपको ऐसे कई रास्ते बताऊंगा जिससे आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होने के बाद भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट योर करियर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज टू गेट ऑप्टिमम ग्रोथ इन योर लाइफ। सो थ्रो द स्ट्रेस अवे ऑफ योर लाइफ एंड इंटरैक्ट विद मी एट ब्रिगेडियर गाइड्स यू ऑन YouTube एंड ऑन www.BrigadierGuidesYou.com।